साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से, एक खास मकसद से आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक गलत चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगने का काम हुआ, तो वही इन पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा झारखंड और हर एक झारखंड के निवासी को देश भर के सामने, दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। साथियों, आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का एक एक मत एक विकसित झारखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा, और ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि अपने एक एक मत का हम लोग सदुपयोग कर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम करें जो कल को जीतने के बाद दिन रात तत्परता से आपके लिए कार्य करे, आपके विकास की चिंता करे, झारखंड को विकसित राज्य बनाने का काम करे। हम लोग ऐसे विधायक चुने, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करें, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने का काम करें, ऐसे नेता को चुनने का काम करें।